भ्रामरी प्राणायाम हम सब के लिए अत्यंत ही लाभकारी है, खास करके गांवों में, घरों में माँ बहनों के लिए। तनाव की बीमारी, क्रोध की बीमारी, चिंता की बीमारी, टेंशन की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, नींद नहीं आती है, किसी किसी को पागलपन की बीमारी, किसी किसी को मिर्गी की बीमारी, मिर्गी का फरके का दौरा आता है। तो मानसिक रूप से जितनी भी परेशानियां हैं वो सारे परेशानियों को हम भ्रामरी प्राणायाम से दूर कर लेंगे। और भ्रामरी प्राणायाम में भौरे जैसा गुंजन करते हैं, और ये गुंजन जब पैदा करते हैं मस्तिष्क में तो इसमें तरंग उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। जैसे आप घंटी देखें ना स्कूल में, उसमें जब चोट मारते हैं हथौड़े से तो कुछ देर तक वो हिलता हुआ नजर आता है, और थोड़ा देर के बाद जब वो शांत हो जाता है, देखने में दूर से लगता है कि वो शांत हो गया, लेकिन उस पे जाके अंगुली रखते हैं तो वो अंदर से ना ऐसे हिलता है, उसमें कंपन महसूस होता है। तो उसी प्रकार का ये अभ्यास से कंपन उत्पन्न करेंगे माथा में इसमें, और जब कंपन पैदा करेंगे तो इसके अंदर के जितने विकार हैं, जितने तनाव हैं, ये जो गांव में आजकल ना माँ बहनों को अधकपारी की बीमारी ज़्यादा होती है, माथा दर्द करने लगता है, उसको माइग्रेन कहते हैं, उसकी अंग्रेजी में कोई दवा नहीं है। तो उसके लिए ये जो अभी बताऊंगा आपको, ये आप 10 से 20 बार कर लेंगे तो आपके लिए औषधि का काम करेगा। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको यदि अभ्यास करते हैं 10 से 20 बार तो उसको याददाश्त यानी याद करने की शक्ति बढ़ जाती है, और उसका दिमाग शार्प होने लगता है, और वो बच्चा कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता है, और उसे समझ में आ जाता है कि हमें अपने जीवन को किस रास्ते पे ले जाना है। सब तो इसी के अंदर ना उभरता है। यदि कोई गलत काम करने जाते हैं तो पहले आपको अंतरात्मा एक संदेश देता है कि नहीं, ये मत काम, ठीक नहीं काम है, लेकिन हम लोग मन के कहे में आकर के कर देते हैं। तो आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, और ये अंगूठा को कान के ढक्कन पे रखिए, इस पर तर्जनी को ललाट के मध्य में रखिए, तीनों उंगली को मोड़ के रखिएगा, मुंह बंद करिए, नाक से सांस भरिए, और भौरे जैसा गुंजन 10 बार करेंगे। बंद रखिए, हाथ को नीचे कर लीजिए, घुटना पे रखिए, और 3 बार ओम का उच्चारण करिए बंद आ करके। छोड़ेंगे, और दोनों हथेली को ऊपर उठाइए, और आपस में धीरे धीरे रगड़िए, और तब तक रगड़िए जब तक हाथ हथेली गर्म ना हो जाए, पूरा रगड़िए, और जब हाथ गर्म हो जाए, हथेली गर्म हो जाए, तो इस गर्माहट को अपने आँखों पर, अपने ललाट पर, मुखमंडल पर, मस्तिष्क पर, हृदय स्थल पर,
और भुजाओं पर, पैरों पे, चारों तरफ धीरे धीरे स्पर्श करते हैं और हाथ जोड़ करके धीरे धीरे आँख को खोलते हैं और मन में एक संकल्प भावना कि मैं बिल्कुल ही पवित्र हो गया और मेरे भीतर के सारे विकार, सारी व्याधियाँ हमसे दूर हो गए और हम इतना अपने आप को शक्तिशाली, ज्ञानवान महसूस करना है कि कभी भी नकारात्मक विचार और गलत सोच हमारे नज़दीक नहीं आए और यही जीवन हम इसी प्रकार जीवन को जीते हुए हमेशा अपने परिवार, अपने समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाते रहेंगे। ओम।